फिर बहुत बढ़िया है। और ये मशीन की खासियत थी, जो मैं बीकानेर से इतनी दूर आया और यहाँ की जो सॉफ्ट मशीन की आइसक्रीम खा रहा हूँ मैं, बहुत टेस्टी है। और ये मशीन मैं लेके जा रहा हूँ और अब बीकानेर वालों को खुलाएंगे। और सर का जो भी है सर, कैसा क्रीमी कैसा लगा आइसक्रीम? क्रीमी बहुत बढ़िया। ऐसा आपने खाया है आइसक्रीम बीकानेर में, मिलता है ऐसा सॉफ्टी कोई? नहीं, ऐसा सॉफ्टी नहीं मिलता, ऐसा सॉफ्टी नहीं मिलता, ऐसा क्वालिटी नहीं मिलता, क्वालिटी नहीं मिलता। इसमें बर्फ आ रहा है जरा भी? आइस आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आया, एकदम क्रीमी क्रीमी लग रहा है, क्रीमी लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, हमारी डॉल्फिन अप्लायंस कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग लेके आते हैं। तो दोस्तों आज स्पेशली हमारी मशीन वीडियो बना रहे सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन 2022 लेटेस्ट एडवांस डिजिटल फंक्शन सॉफ्टी मशीन, जो सिंगल फ्लेवर की मशीन है। इसकी हमने वीडियो बहुत सारी अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में डाली हुई है दोस्तों। तो आज वो वीडियो देख के हमारे यहाँ स्पेशली कस्टमर आए राजस्थान में, बीकानेर करके सिटी है, वहां से कस्टमर आए जिन्होंने पहले वीडियो हमारी यूट्यूब में बहुत सारी देखी थी। और हमारे कस्टमर केयर इंक्वायरीज डिपार्टमेंट में कॉल करके यहां पे आज फैक्ट्री विजिट के लिए आए दोस्तों। आज 9 तारीख है फरवरी का, तो आज के दिन स्पेशल कस्टमर यहां पे आए मशीन देखने के लिए, मशीन ले जाने के लिए, मशीन कैसे वर्क होती है, कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलती है। तो ये वीडियो के अंदर हम आपको पूरी मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन, कैसे चलती है, कैसे मटेरियल डालना है, कैसे चलानी है, और सर से थोड़ा रिव्यू भी लेंगे सर। हेलो सर। हाँ सर। क्या नाम है सर आपका? शंकर लाल। शंकर लाल जी, सर कहाँ से आए सर आप? मैं बीकानेर से आया हूँ, बीकानेर राजस्थान से। अच्छा, और सर आपको हमारी ये मशीन की मालूमात कहाँ से हुई, कहाँ से डिटेल्स मिली आपको? मैं यूट्यूब पे देखा था, यूट्यूब में वीडियो आपने देखा होगा पहले सर? वीडियो देखा था। अच्छा, तो यूट्यूब में वीडियो देख के फिर आप यहाँ पे फैक्ट्री पे आए विजिट करने के लिए? जैसे हम यूट्यूब में वीडियो में सब बताते हैं हमारा काम ऐसा है, हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं विजिट करते हैं, तो यहाँ पे फैक्ट्री पे आपको काम हमारा ओरिजिनल लगा सब? हाँ ओरिजिनल लगा, सब जेन्युइन काम लगा आपको? जेन्युइन लगा, पूरा फैक्ट्री देखा आपने, विजिट किया। अच्छा सर, तो सर आज हमारे यहाँ मशीन देखने के लिए, कौन सी मशीन के लिए सर आए आप? ये सॉफ्टी मशीन, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के लिए आए? सॉफ्टी आइसक्रीम। अच्छा, तो सर को हम आज ये मशीन के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, कैसे ऑपरेट करनी है, कैसे चलानी है मशीन को, और कैसे फ्लेवर बना जाता है। तो सर सबसे पहले हमें मिल्क लिया है हमने आपके सामने, मिल्क में पाउडर रेसिपी बना के मशीन में फिलअप करेंगे और इसको चला के आपको टेस्ट करवाएंगे इसको कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा फ्लेवर है, ये सॉफ्टी आइसक्रीम का फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है। ये भी आधा किलो पैकेट है, आधा किलो हमने पहले बना दिया है क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर जब चेकिंग के लिए आते हैं तो थोड़ा ही टेस्ट करते हैं, तो मिनिमम क्वांटिटी से बनाते हैं। जिसमें ये एक किलो का अगर पूरा पैकेट आप बनाते हैं तो 4 लीटर मिल्क और 1 किलो पाउडर डालना है दोस्तों। 4 लीटर मिल्क में 1 किलो पाउडर डाल के आपको 120 से 115 कौन तक का बेकअप मिलता है इसके अंदर से। अभी हम आधा मटेरियल डालेंगे, 2 किलो मिल्क डालेंगे और आधा किलो पाउडर डालेंगे, अराउंडली 55 से 60 कौन का बेकअप है मशीन के अंदर से निकलना है। मशीन पूरी इजी ऑपरेट है दोस्तों, इसमें कोई आपको शक्कर नहीं डालना है, ना तो कोई फ्लेवर का स्माइल, ना तो कोई एसेंस डालना है दोस्तों। ये मशीन के अंदर ओनली मिल्क डालो, पाउडर डालो और इसके अंदर फिलअप करो, मशीन का बटन दबाओ, 12 से 15 मिनट के अंदर आइसक्रीम तैयार होती है। 1 घंटे के अंदर आप 80 से 100 कौन तक निकाल सकते हो, पूरी हैवी ड्यूटी मशीन है दोस्तों, इसके अंदर आप पैकेजिंग का भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लंबी किए बिना हम शॉर्टली आपको बता दें कैसे मटेरियल बनाना है। ये अमूल कंपनी का अमूल गोल्ड मिल्क है, एकदम नेचुरल और क्रीमी मिल्क है। ये हम 2 लीटर मिल्क इसके अंदर फिलअप करेंगे, आप देख सकते हैं, ये 2 लीटर मिल्क हम इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले 500-500 ग्राम का एक एक बैग है। आपका मटेरियल नेचुरल तैयार हो चुका है स्ट्रॉबेरी का। ये मटेरियल इसके अंदर फिल अप कर देंगे,
फिलअप करने के बाद थोड़ा लाइन में ले लेंगे हम इसको। ढक्कन को ढक देंगे इसको। यहाँ पे सब इसके डिस्प्ले में टच फंक्शन दिए गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉश का बटन है, फ्रीज का बटन है, डिफ्रॉस्टिंग बटन है, प्ले का बटन है, और सेटिंग का। सेटिंग में जाके आप उसको सेट कर सकते हो, हार्डनेस कम ज़्यादा करना है, एयर कम ज़्यादा करना है, काउंटिंग जीरो जीरो करना है, तो सब सेटिंग कर सकते हो आप। अभी हम इसको फ्रीजिंग के अंदर लगाएंगे टेम्परेचर मशीन को, आइसक्रीम जमाने के लिए फ्रीज टेम्परेचर है। ये मशीन चालू हो चुकी है, अभी इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा। फर्स्ट टाइम मटेरियल डाला है इसलिए 12 से 13 मिनट का टाइम लेगा आइसक्रीम जमाने के लिए, और डिस्प्ले पे आपको शो भी करेगा सब चीज़ इसका टेम्परेचर कितना है। अभी 43 का टेम्परेचर दिखा रहा है इसके अंदर, जहाँ पे हमने आइसक्रीम बनाया है 43 का टेम्परेचर है। आइसक्रीम जो रेडी नहीं है इसलिए आइसक्रीम रेडी होगी, पूरा कोन बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ पे 100% कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सिलेंडर टेम्परेचर है, जहाँ पे मटेरियल हमने डाला है उसका टेम्परेचर दिखा रहा है इसके अंदर। मशीन में ऊपर से कितना पावर आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, सब दिखा रहा है। 230 पावर आ रहा है, मशीन में से 125 कोण निकाले हुए हैं, तो सब जानकारी मशीन ऑटोमेटिकली देगा आपको। टच डिस्प्ले देने का रीजन वही है कि कस्टमर इंस्टेंटली देख सके और गाइड कर सके कि उसको ऑपरेट कैसे करना है। तो अभी 10 से 12 मिनट जमने को टाइम लगेगा, हम फिर से आपको आइसक्रीम जमने के बाद आपके सामने लौटते हैं और हमारे कस्टमर है उनको टेस्ट करवा देंगे। थैंक यू। अभी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है इसके अंदर से, पूरी मशीन जम के आइसक्रीम 10 से 12 मिनट के अंदर तैयार हो चुकी है, और अभी हम हमारे कस्टमर हैं उनको आइसक्रीम निकाल के बताएंगे। सर तैयार हो गई मशीन इसमें? हाँ तैयार हो गई मशीन, अभी बंद है, पूरी बंद है, पूरी साइलेंट है अभी मशीन, साइलेंट है। अभी इसके अंदर से हम थोड़ा आइसक्रीम निकालेंगे और सर को टेस्ट भी कराएंगे कैसा टेस्ट लगता है। पहले हम टेस्टिंग का आइसक्रीम निकालेंगे इसमें से, आइसक्रीम निकाला है अभी हम कप में निकाल के सर को टेस्ट कराएंगे आइसक्रीम को। एक स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर डाला है हमने इसमें, ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। लीजिए सर टेस्ट कीजिए कैसा टेस्ट लगा। वाह टेस्ट बहुत बढ़िया है, और ये मशीन की खासियत थी जो मैं बीकानेर से इतनी दूर आया और यहाँ की जो सॉफ्ट मशीन की आइसक्रीम खा रहा हूँ मैं, बहुत टेस्टी है, और ये मशीन मैं लेके जा रहा हूँ और अब बीकानेर वालों को खुलाएंगे। और सर का जो भी है सर, कैसा क्रीमी कैसा लगा आइसक्रीम? क्रीमी बहुत बढ़िया। ऐसा आपने खाया है आइसक्रीम बीकानेर में, मिलता है ऐसा सॉफ्टी कोई? नहीं ऐसा सॉफ्टी नहीं मिलता, ऐसा सॉफ्टी नहीं मिलता, ऐसा क्वालिटी नहीं मिलता, ऐसा क्वालिटी नहीं मिलता। इसमें बर्फ आ रहा है जरा भी, आइस आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आया, एकदम क्रीमी लग रहा है, क्रीमी लग रहा है। और मशीन का सर आपको फंक्शन कैसा लगा? सर बढ़िया लगा। मशीन का सिस्टम कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, ऐसे चलाने में इजी है सब लोगों के लिए? एकदम इजी है एकदम। वैसे आप कौन सी लाइन से बिलोंग करते हैं? जैसे कि आपका ये बिजनेस है पहले से, आइसक्रीम का बिजनेस है ऑलरेडी आपका? नहीं है मेरा, नया ही बिजनेस कर रहे आइसक्रीम का? फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम जो आदमी अगर इस टाइप का आइसक्रीम का बिजनेस करेगा तो उसके लिए ये आसान होगी मशीन या? बहुत बहुत आसान होगी और चलाने में बहुत इजी है। चलाने में कोई भी न्यू जिसको नॉलेज नहीं है वो भी चला सकता है? वो भी चला सकता है, नया आदमी रहता है वो भी चला सकता, वो भी है चला सकता है। क्योंकि दोस्तों मेन वही इम्पोर्टेंट रहता है कि कस्टमर आते हैं नए नए बिजनेस ढूंढने के लिए, नए नए बिजनेस आइडियाज देखने के लिए हमारे पास आते हैं कि कोई मशीन दिखाओ। जिनका सालों से फैमिली वाइज इनका कोई ताल्लुक नहीं होता है बिजनेस से, वो कस्टमर आके भी ये हमारे पास जो जो बिजनेस है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई नॉलेज या ट्रेनिंग का जरूरत ही नहीं है, सब मशीन ही करती है। आपको खाली हम जो रेसिपी बताते हैं कि ऐसा रेसिपी बना के मशीन के अंदर फिलअप करो और मशीन में जो बटन है वो दबाओ और अपना एक बिजनेस डेवलप और स्टार्ट करो। फिर जैसे मशीन आपके पास आती जाती है आप अपने हिसाब से माइंडली उसको डेकोरेट कर सकते हो। जैसे कि ये सादा कोन है तो इसके ऊपर आप टॉपिंग्स डालिए, काजू बादाम डालिए, प्याली बनाइए उसके अंदर, ड्राई फ्रूट डालिए, टूटी फूटी डालिए, तो वैसे वेराइटीज वाइज आप आइसक्रीम बना सकते हो। 15 रुपए से लेके 150 रुपए तक का वेरायटी और कोन इसके अंदर से आप बना सकते हो उसके अंदर से। तो सर आपका डिसीजन क्या रहेगा मशीन लेने के बारे में? मेरा तो डिसीजन फाइनल ही है और मैं आज ही यहाँ से मशीन लेके जा रहा हूँ। आज ही आप लेके जा रहे हो मशीन? आज ही लेके जा रहा हूँ। सर को देखो इतना क्वालिटी टेस्ट अच्छा लगा, हमारी मशीन इतनी अच्छी लगी कि सर आज ही मशीन देखने आए थे और आज ही मशीन बुक करा के साथ में ले जाना चाहते हैं मशीन को।
तो दोस्तों आपको भी इस तरह की मशीन की डिटेल्स और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी सेल्स टीम एक्टिव रहती है मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक। तो वो टाइम पे आप कॉल करके मशीनों के बारे में डिटेल्स लीजिए। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज है जिसके अंदर मोर देन आप 70% तक का प्रॉफिट कर सकते हो। हमारी सब मशीनरी ऐसी है जिसके अंदर से 70% प्रॉफिट रेशियो है। और एक मार्केट से अलग कॉन्सेप्ट है, आपके शहर में जो नहीं मिलता है वैसा कॉन्सेप्ट हमारे पास अवेलेबल है। सर को हमने वैसे तो बहुत सारी हमारी मशीन दिखाई और सर को बहुत सारी मशीन पसंद भी आई, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मशीन का वो बिजनेस करेंगे। सर हमने आपको हमारी गन्ना जूस मशीन बताई, स्लश मशीन बताई, तो आपको अच्छी लगी सब मशीन है सर? सब मशीन बढ़िया लगी, लेकिन एक बार तो मैं यही लेके जा रहा हूँ, और अगर आगे का भविष्य के अंदर प्लानिंग बना तो शुगर कैन और स्लश मशीन दिखाई आपको, स्लश मशीन दिखाई, वो सोडे की मशीन, सोडा मशीन दिखाई, तो सबका प्लानिंग हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल करूंगा मैं। तो हमारे पास एक बार आप विजिट कीजिए डॉल्फिन अप्लायंस, गुजरात में भावनगर करके सिटी अहमदाबाद से 170 किलोमीटर दूरी पे है दोस्तों। तो हमारी फैक्ट्री पे आके हम हमारी अलग अलग और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज देखिए। और दोस्तों हमने वीडियोस बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स के डाले हुए दोस्तों, ज्यादा जानकारी ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में सब वीडियोस है, तो सब प्रोडक्ट्स की आप डिटेल्स जानकारी ले सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वॉचिंग। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर आप यहाँ पे आए, हमारे को बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।